हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि देख सकते हैं, आज हम लोग चल दिए हैं पटना, और ये है दुमका पटना एक्सप्रेस जो कि पर डे चल रही है। ये गंगा दामोदर एक्सप्रेस है जो पटना से धनबाद जाती है रात को 11 बजे के आसपास में। ये अभी हम आ गए हैं स्टेशन हजडिया और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये हमारा कोचेज़ जो है स्लीपर में रिजर्वेशन है और हम लोग आज उसी से सफ़र करेंगे। देख सकते हैं, पहले तो उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन लोगों को जानकारी होने के बाद अब भीड़ अच्छी खासी होने लग गई है और काफ़ी अच्छी ट्रेन है। यहाँ पे 2:52 में है और रात को 9:45 में ये छोड़ देती है, मतलब 7 घंटे के आसपास में छोड़ देती है। ये हम लोग S2 में चढ़ चुके हैं और ये जो हम लोग का सीट है 8 नंबर दिया है, और ये अभी हम सो के अपना सेल्फी कर लिए और कुछ सोच रहे हैं कि पटना पहुंच के करेंगे क्या, क्या खाएंगे, पहले तो घूमना कहाँ पे है, ये सब चीज़ सोचते सोचते हमें लग गई नींद। और जब हम सो के उठे, गाड़ी जो है काफ़ी आगे निकल चुकी थी, मतलब 12-8 जंक्शन जो है क्रॉस कर चुकी थी और स्पीड अच्छी खासी ट्रेन ने पकड़ ली थी। ट्रेन उतने स्पीड से चलते हुए हमें 1:45 में ये गाड़ी भागलपुर छोड़ रही है, और यहाँ पर लगभग ये गाड़ी अभी जो है ना 20 मिनट खड़ी रहेगी, 20 मिनट बिफोर ये गाड़ी घुसाया गया यहाँ पे। और बहुत अच्छी ट्रेन है, स्पीड भी काफ़ी मेंटेन रहती है, ज़्यादा स्टॉपेज भी है नहीं। गाड़ी यहाँ 20 मिनट रुकेगी। दोस्तों, भागलपुर आते के साथ ही वहाँ लोकल लोगों की काफ़ी भीड़ हो गई थी, लोकल पैसेंजर आने के कारण हमें नीचे बैठने में दिक्कत हो रही थी। हम आ गए अपने अपर बर्थ पे और आराम से सो गए। और उसके बाद दोस्तों, सोने के बाद थोड़ा सा जब आँख खोली तो देखा कि गाड़ी हमारी जमालपुर जंक्शन पहुँच चुकी है, और जमालपुर में गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन आज 7-8 मिनट गाड़ी रोक दिया गया, क्यों रोका गया पता नहीं। उसके साथ ही हमारी गाड़ी निकल चुकी है, और निकलने के बाद दोस्तों फिर जब हम अपने सीट पे बैठे, अपने बर्थ पे उठ के बैठे, और तब पता चला कि गाड़ी हमारी जो है क्यूल स्टेशन, क्यूल जंक्शन जो है वो इन कर रही है। ये ककड़ी वाले भैया भाग गए हमारी आवाज़ देते देते ही। ये गाड़ी क्यूल में है, क्यूल में भी जो हर बार होता है ना, इसको रोक करके कुंभ एक्सप्रेस को आगे निकाला जाता है। उसके बाद दोस्तों हम सो गए थे, और जब आँख खुली तो हम पटना पहुँच चुके थे। गाड़ी राजेंद्र नगर क्रॉस कर गई, लोग नीचे आ करके अपने अपने उस जो है लगेज वगैरह लेकर के बाहर निकलने तैयारी में थे। ये हम बाहर निकल गए दोस्तों, आराम से जो है ना फर्स्ट ओवर ब्रिज ना लेकर के हम लोग जो है सेकंड ओवर ब्रिज जो है वो लेकर के जा रहे हैं ऊपर। अब वहाँ 3 नंबर गेट से निकलेंगे, और गेट से जस्ट निकलेंगे ना तो ये करबिकैया तरफ यानी कि कंकड़बाग जाने वाले रास्ते में हम लोग वहाँ जाकर निकलेंगे। वहाँ से तुरंत हमें जो है टोटो मिल जाएगी। ये देख सकते हैं बरेली मंदिर, उधर महावीर मंदिर का एक गुंबद जो वो दिख रहा था, और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। गर्मी तो थी लेकिन खैर कोई दिक्कत हुई नहीं, हम लोग का सफ़र अच्छा रहा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।